फिर से वापस आ गया मैं। अब मत बोलना कि कंसिस्टेंसी नहीं है यूट्यूब पर, ये तो बोलना ही मत। पहले तो आई एम विशिंग वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई सेल्फ, क्योंकि कोई करे ना करे मैं तो करूँगा, है कि नहीं? सेल्फ लव इज मोर इम्पॉर्टेंट। आज मैं अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूँ इंडिया गेट, तो अगर तुम्हारा भाई कहीं जाए और तुम लोग का ना ले जाए, ऐसा हो सकता है। ईयरफोन डाल लीजिए और मेरे साथ चलिए। भाई आज मौसम भी सही है, मतलब अभी का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है मुझे। धूप है आज, थोड़ी धूप है 12 डिग्री सेल्सियस। सुबह सुबह आज 2 डिग्री थी, तो दो रजाई ओढ़ के था मैं, फिर भी ठंडी ना जा रही थी। उससे मेरा क्या फायदा भाई। चलते हैं मेट्रो स्टेशन। मुझे यही नहीं पता कि इंडिया गेट के लिए कौन सा मेट्रो स्टेशन जाता है, मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है। ठीक है, मैं सर्च करके वहाँ पहुँचता हूँ, तब तक तुम भी साथ चलो। मैं कन्फ्यूजन में था कि उतरना कहाँ है, कौन से मेट्रो स्टेशन पे। फिलहाल उद्योग भवन है ब्लू लाइन से, अगर आप हुडा सिटी सेंटर से आ रहे हो तो कन्फ्यूजन नहीं होने का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ पैदल पैदल, और वो है थोड़ा दूर। सीन ये है कि मुझे पैदल जाना इसलिए पसंद है, थोड़ा एक्सप्लोर करने को मिलता है। ऑटो या बाइक से जाओ या रैपिडो से जाओ तो लगता है यार बस पहुँच गया, मज़ा क्या है कि नहीं। तो मैं पैदल जाता हूँ, तब तक तुम लोग तब तक ये सीन से इंजॉय करो। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. देखो यार, मैं एक घंटे ट्रैवल करके उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से यहाँ पहुँचा हूँ पैदल। It's been way too long. पहले मैं इंडिया गेट के बारे में तुम्हें बता दूं कि इसे एंग्लो अफगान वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनके याद में ये बनाया गया था। ठीक है, तुम लोगों को पता ही है, उतना बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाइड का काम कर रहा हूँ, पता है, ब्लॉगिंग कम गाइड का काम ज़्यादा कर रहा हूँ। खैर, मेरे ब्लॉगिंग में मस्ती होती है, तो ये सीन को एंजॉय करो। मैं भी जाता हूँ, थोड़ा रील बनाता हूँ, समझ रहे हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। हाँ, मैं बताना भूल गया कि यहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, साथ ही साथ यहाँ जितने भी जवान शहीद हुए उनके याद में उनका नाम भी लिखा गया है। भाई मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स दिखाकर सीन दिखाकर एंड कर दूंगा वीडियो को, बट नहीं मेरे भाई, एक बार जब तक सामने से ना देख लूं तब तक मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? आखिर तुम लोग हो तो हम हैं, तुम ये शॉर्ट्स एंजॉय करो। Every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. ये जो तुम सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू देख रहे हो ना, जब ये बना था तब यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू नहीं था, तब कोई तो अंग्रेज का था, बट उसे हटाकर जब हमारा देश आजाद हो गया, उसे हटाकर यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगा दिया गया था सुभाष चंद्र जी के देहांत के बाद। बताना भूल गया कि ये जो तुम इंडिया गेट देख रहे हो ना, इसका डिज़ाइन कहाँ से लिया गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिज़ाइन एक पेरिस का एक ऐसे ही सेम उन लोगों ने भी बनाकर रखा है, बट उन लोगों को क्या है कि ऊपर में जो है वहाँ मीनार का भी एक डिज़ाइन देकर रखा है, चार मीनार जैसा आप बोल सकते हो, उसी से इंस्पायर होकर यहाँ इंडिया गेट भी बनाया गया था उस समय। फिलहाल मैं नेशनल वॉर मेमोरियल आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि किस तरीके से सारे जो हमारे शहीद जवान थे उनका नाम लिखा हुआ है, अगर तुमने नहीं देखा है तो। ये ज्योति देख रहे हो, से ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, तब से वो ज्योति जल रहा है और हमेशा जलता ही रहता है। देखो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये दीवार देखो, सब में सबके नाम लिखे हुए। मोस्ट 90,000 शहीद हुए थे उस वक्त ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए, तो ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया गेट को, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। भाई मैंने काफी
पढ़ाई कर रखी है, मैं बस घमंड नहीं करता पता है। पर सीन क्या है कि देखो यहाँ लोग पिक क्लिक कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, मेरा क्या है मैं अकेले आ रहा हूँ तो यहाँ कोई वीडियोज़ बनाने के लिए भी नहीं है, पिक क्लिक करने के लिए भी नहीं है, एक छोटा सा काम करने के लिए कोई नहीं है पता है। बट मेरा एक बड़ा काम हो जा रहा है, व्लॉग बन जा रहा है। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप अच्छा लगा होगा, सही होगा, कमेंट कर देना जैसा भी हो, एंड शेयर तो करना ही ऑफ कोर्स।